Hello everyone. हेलो, एम आई ऑडिबल? प्लीज कमेंट करके बताइए. आई एम ऑडिबल? प्लीज लाइक, यहाँ पर ना किसी का कमेंट शो नहीं हो रहा है, तो आप लोग लाइक करके भी बता सकते हैं. क्या मैं विजिबल हूँ? एनीवन प्लीज रिप्लाई. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग लाइव. एनीवन प्लीज लाइक करके बता दीजिए. यहाँ पर कमेंट किसी का भी शो नहीं हो पा रहा है, ताकि मैं लाइव शुरू करूँ. थैंक यू अमूल, जिन्होंने मुझे चांस दिया अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव करने का. तो यहाँ पर आज बनाने जा रहे हैं हम अमूल की फ्रेश क्रीम से फ्रूट क्रीम, जो कि एक डिज़र्ट की रेसिपी है और बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत जल्दी बनती है और अमेजिंग टेस्ट होता है इसका. तो इसको बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम ही टाइम में ये बन के तैयार हो जाता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम कट करेंगे अपने पैक को. और हमें इसे ट्रांसफ़र करना है अपने बोल में. इसे आप ठंडा ठंडा जब खाइएगा तो बहुत मज़ा आएगा खाने में, ये बहुत जल्दी बनता है. तो यहाँ पर हमने लिया है फ्रूट क्रीम अमूल की, और इसे बस एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है. साथ ही यहाँ पर हमने लिया है 3 टेबल स्पून शुगर है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें. यहाँ पर हमें 2 टीस्पून ऐड करना है, और फिर हम बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग और भी यूज़ करेंगे. तो इसे हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है. थोड़ा देर इसे हम चलाएंगे, फिर इसे साइड में रखेंगे थोड़ी सी. ये फौरन ही घुल जाती है. और हम अब चॉप करेंगे अपना फ्रूट्स, जिसे हम डालेंगे फ्रूट क्रीम में. बस ये बहुत ही जल्दी बनने वाला डिज़र्ट है. जब कोई फेस्टिवल हो आपके यहाँ या गेस्ट एक बैग आ जाए, तो अगर आपके पास अमूल की फ्रेश क्रीम है तो आप उसे ज़रूर ये फ्रूट क्रीम बनाइए, और इसे ठंडा करके जब आप सर्व करिएगा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में. तो फ्रेंड्स, बस इसमें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपको फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं. बस इसे आप रफली चॉप करना है, बहुत फाइन चॉप नहीं करना है यहाँ पर, ताकि थोड़ा सा जो फ्रूट है उसकी क्रंचीनेस हमारे फ्रूट क्रीम में आए. और आप जितने भी तरह का इसमें आप फ्रूट यूज़ कर सकते हैं आप कर सकते हैं. यहाँ पर हमने कुछ ग्रेप्स लिया है, तो ग्रेप्स को सिर्फ हम हाफ हाफ कट करेंगे. थोड़े से ग्रेप्स को भी हम हाफ कट करेंगे. यहाँ पे हमने पोमीग्रेनेट को निकाल के पहले से ही रखा हुआ है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा होता है. ये एक सिंपल होममेड रेसिपी है, जो कि आप इसे कभी भी शाम में स्नैक्स में के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का डिनर अगर आपने किया है या लंच किया है तो उसमें आप इसे सर्व कर सकते हैं. अमूल की फ्रेश क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये, और अगर आपके पास आइसक्रीम है तो आप उसे भी इसके ऊपर डाल सकते हैं. यहाँ पर हो गया, और फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा कट करेंगे बनाना.
थोड़े से बनाना को हमें कट करना है, हाफ कट करके इसे करिए, नहीं तो स्लाइस इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसे थोड़ा सा हम हाफ कट करके और फिर इसे ऐसे ही चॉप करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया है हमारा, जितना भी हमने डालना था हमने फ्रूट कट कर लिया है। और इसे हम अब फ्रेश क्रीम जो है हमारी, इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें जो शुगर है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। और इसको आप जब फ्रिज में रखिएगा ठंडा होने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी थिकनेस आ जाती है इसके अंदर और बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में। इसमें हमें कोई सा भी फ्लेवर अभी नहीं डालना है, आप चाहें तो शुगर इसमें पीस के भी डाल सकते हैं, उसमें ये जल्दी डिसॉल्व हो जाती है और बहुत जल्दी आपका ये फ्रूट क्रीम बन के तैयार होता है। आप लोग लाइव कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बस क्विक रेसिपी, क्विक डिज़र्ट आप इसे कह सकते हैं, कुकिंग विदाउट फायर कह सकते हैं, डिज़र्ट विदाउट फायर भी आप इसका नाम दे सकते हैं। ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। यहाँ पर चूँकि हमने मोटी वाली शुगर ली है, तो इसीलिए हमें इसमें इतना इसे फेंटना पड़ रहा है। अगर आप किसी भी चीनी लेते तो ये बस फौरन 2 मिनट में बन के तैयार होता। तो यहाँ पर शुगर हमारी बहुत अच्छे से अब डिसॉल्व हो गई है और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे अपना कट किया हुआ सारा वेजीज, ये सॉरी फ्रूट्स। और साथ ही इसमें हम यहाँ पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पोमीग्रेनेट, इसको और कलरफुल बनाने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है फ्रेंड्स, ये ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है बट इस फ्रूट क्रीम में ना ये ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो इसे भी आप ज़रूर डालिए, इससे इसकी क्रंचीनेस बहुत अच्छी आती है। और ये देखिए, ये बस हमारा बहुत जल्दी बनने वाली फ्रूट क्रीम तैयार है। बस इसे हम सर्व कैसे करेंगे, और इसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए हमने डालना है यहाँ पर रूअफ़ज़ा, यहाँ पर थोड़ा सा हमने रूअफ़ज़ा लिया है, इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें बस हमने डालना है थोड़ा सा रूअफ़ज़ा और इसे हम निकालेंगे अपने सर्विंग बाउल में। बस ये बन के तैयार। देखिए फ्रेंड्स, ये अमूल फ्रेश क्रीम से कितना ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुआ है डिज़र्ट हमारा। अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा पोर कर दीजिए, बिल्कुल ज़रा सा इस पर रूअफ़ज़ा, और ये ज़बरदस्त ही रेसिपी सॉरी ये रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं, इसे ठंडा ठंडा सर्व करें तो ये बहुत ही अमेजिंग लगता है। थैंक यू अमूल इतना ट्रस्टेड प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिसे हम अपने डेली यूज़ में यूज़ करते हैं और हमारे किचन में ये हमेशा से रहता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लाइव को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माई लाइव, बाय बाय एवरीवन।